नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। एसआईटी की जांच रिपोर्ट गायब हो गई। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम के आदेश पर गठित एसआईटी की जांच रिपोर्ट गायब हो गई है। भू राजस्व विभाग के दफ्तर से ये रिपोर्ट गायब कर दी गई। पिछले 3 दिनों से जांच रिपोर्ट की तलाश हो रही है। भू राजस्व विभाग के सचिव समेत कई अधिकारी इस रिपोर्ट को तलाशने में जुटे हैं। अधिकारियों की मिलीभगत से एसआईटी की जांच रिपोर्ट गायब किए जाने की बात सामने आ रही है। रांची के हेहल अंचल के बजरा गांव में 100 एकड़ से ज्यादा के भूखंड से जुड़ी ये रिपोर्ट भूखंड के मालिकाना हक को लेकर विवाद रहा है। खाता संख्या 119 की जांच रिपोर्ट है ये, किसने गायब की ये बड़ा सवाल है। करीब 100 एकड़ भूखंड के मालिकाना हक को लेकर मुख्यमंत्री के आदेश पर गठित एसआईटी ने जांच रिपोर्ट तैयार की, लेकिन ये रिपोर्ट ही अब लापता है। करीब 100 एकड़ से अधिक के भूखंड का हिस्सा जिसका मालिकाना हक विवादास्पद है, इस पूरे मामले की जांच के लिए मुख्यमंत्री के आदेश पर एसआईटी का गठन किया गया, लेकिन एसआईटी की जांच रिपोर्ट ही गायब हो गई है। अब आखिर जांच रिपोर्ट गई तो गई कहां? किसका हाथ है एसआईटी रिपोर्ट को गायब करने में? ये जांच का विषय है, लेकिन भू राजस्व विभाग के कार्यालय से रिपोर्ट का गायब हो जाना कई सवाल खड़े करता है। सीधे तौर पर सवाल अधिकारियों पर उठते हैं। विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से तो इस रिपोर्ट को गायब नहीं किया गया। भूखंड का मालिकाना हक विवादास्पद रहा है। खाता संख्या 119 की जांच रिपोर्ट आखिर किसने गायब कर दी, ये अब बड़ा सवाल है। रांची के हेहल अंचल के बजरा गांव में 100 एकड़ से ज्यादा का भूखंड है और इस भूखंड के मालिकाना हक को लेकर विवाद है। बड़ा सवाल ये कि आखिर दफ्तर से रिपोर्ट गायब हुई तो हुई कैसे? सीएम के आदेश पर गठित एसआईटी ने इस विवाद की जांच पड़ताल की रिपोर्ट तैयार किया, लेकिन भू राजस्व विभाग के कार्यालय से ये रिपोर्ट ही गायब है। बेहद ही गंभीर मामला, विभागीय दफ्तर से रिपोर्ट का गायब हो जाना, वो भी एसआईटी के रिपोर्ट का। सवाल खड़े करता है कि आखिर इस विवाद का निपटारा कौन नहीं चाहता? भू राजस्व विभाग के दफ्तर से रिपोर्ट का गायब होना विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों पर सवाल खड़े करता है। पसंद है।
हमारे सहयोगी अभिषेक भारती और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। उनसे समझते हैं कि आखिर कौन नहीं चाहता कि हेहल अंचल के खाता संख्या 119 के मालिकाना हक का विवाद सुलझे, कौन नहीं चाहता कि इस मुद्दे से जुड़ी रिपोर्ट सार्वजनिक हो और ऐसा क्यों। अभिषेक, मुख्यमंत्री के आदेश पर एसआईटी का गठन किया गया, जमीन के मालिकाना हक को लेकर जो विवाद है उसकी जांच के लिए एसआईटी ने जांच की, रिपोर्ट तैयार किया, कार्यालय को रिपोर्ट सौंप दिया और अब कार्यालय से रिपोर्ट के गायब होने की बात सामने आ रही है। आखिर कौन नहीं चाहता कि इस विवाद का हल हो और ऐसा क्यों, क्या जानकारी है आपके पास? असल में ये खाता नंबर 119 का जो दावा है ऐसा प्रस्तुत ये किया जा रहा है कि भाई यहाँ पर लड़ाई सिर्फ दो परिवारों के बीच, एक तरफ अनीता शर्मा का परिवार है जो कहती है कि भाई वो देवकीनंदन मिश्रा है उनकी पौत्र वधु है और इसलिए जमीन पर मालिकाना है उनका है, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि भाई एक साहू दशरथ साहू का परिवार स्थानीय रैयत वहां पर रह रहे हैं जो कई सालों से वहां पर है, जो आदिवासी परिवार वहां पर रह रहे हैं उनके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। असल में ये जमीन अगर ध्यान से देखा जाएगा तो न ये जमीन अनीता शर्मा की होती है और न ये जमीन दशरथ साहू की होती है। ये जमीन वो जमीन है जो वहां के स्थानीय रैयतों की है। दशरथ साहू ने जो डीड प्रस्तुत की है वो डीड फर्जी है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत पहले ही से लेकर के साफ हो चुका है कि हाँ भाई दशरथ साहू की डीड फर्जी है। और अनीता शर्मा जो डीड दिखा रही है कि भाई इतने साल में मैंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, मेरे पौत्र वधु, मैं उनकी पौत्र वधु हूँ, तो असल में ये देवकीनंदन मिश्रा की भी जमीन है। अब आते हैं हम लोग एस आई टी पर कि ठीक है, हमने बहुत प्रमुखता से खबर वगैरह दिखाई थी इसकी, वो जमीन एक बारूद पे बैठी हुई है जहां पर स्थानीय रैयत जो है वो इतने गुस्से में है कि मैं आपको बता नहीं सकता, वहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। अचानक से रातों रात धारा 144 लगने के बावजूद वहां पर बाउंड्री बन जाती है, धारा 144 लगने के बावजूद वहां पर काम चलता रहता है, कोई उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता है। बहुत प्रभावशाली लोग बाकी के तत्कालीन एसएसपी उस जमीन पर जाकर के उस जमीन का दौरा करते हैं, बड़े बड़े अधिकारी उस जमीन का दौरा करते हैं, कहा जाता है कि भाई बहुत प्रभावशाली लोगों का उस जमीन में हिस्सा है। एसआईटी का जब गठन होता है तो उस एसआईटी का नेतृत्व करते हैं अंजनी कुमार मिश्रा, लेकिन जैसे ही अंजनी कुमार मिश्रा उस एसआईटी के जांच उस एसआईटी का अध्यक्ष बनाया जाता है, उस एसआईटी के बनाया जाता है मेंबर, उसी समय वहां के स्थानीय रैयत जो है वो उसका विरोध करना चालू कर देते हैं। स्थानीय रैयतों का साफ करना होता है कि भाई अंजनी कुमार मिश्रा जो है वो उस जमीन पर ईमानदारी से रिपोर्ट तैयार करेंगे ही नहीं। तो सीधी सी बात है कि जिस दिन ये एसआईटी बनी थी और जिस दिन इस एसआईटी ने अपनी पहली जांच रिपोर्ट तैयार करी थी, बातचीत करी थी, उसी दिन इनका विरोध शुरू हो गया था, वहां के स्थानीय रैयतों ने उसी दिन सवाल उठाए थे। तो इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए कि भाई वहां से रिपोर्ट किसने गायब करवाई है, क्या गायब करवाई है, फर्क इससे पड़ना चाहिए कि उस रिपोर्ट में था क्या। जी, अंदर खाने से जो खबर आ रही है, खबर ये आ रही है कि उस रिपोर्ट में जैसा कि रैयतों का कहना भी था कि भाई अंजनी कुमार मिश्रा अनीता शर्मा का फेवर करेंगे, और जो खबर आई अंदर से कि हाँ भाई ऐसा ही हुआ था, अनीता शर्मा का ही उस रिपोर्ट पे फेवर किया गया था। ठीक है, अब आप इस असली चीज को समझिए कि गुमला में एक जगह है पालकोट, पालकोट के महाराज की जमीन थी, पालकोट के महाराज के एक मुंशी थे जिनका नाम था देवकीनंदन मिश्रा। तो पालकोट के महाराज जो कितने बड़े आदमी थे, तो देवकी नंदन मिश्रा को चट लिया गया था कि भाई ठीक है इस जमीन से जो टैक्स आएगा, इस जमीन से जो पैसे आएंगे, उन पैसों को आप कलेक्ट करेंगे। अब आप मान लीजिए कि अगर आप मेरे लिए काम करते हैं, मेरे बिहाफ में अगर आप जाते हैं वहां पर टैक्स कलेक्शन के लिए, तो जब आप वहां से टैक्स लेंगे तो वहां पर सिग्नेचर मैं तो करने जाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं तो राजा हूँ, सिग्नेचर तो आप ही करेंगे क्योंकि आप मेरे मुलाजिम हैं। उसी तरीके से जहां जहां पर टैक्स कलेक्शन का नाम आता था वहां पर देवकीनंदन मिश्रा ने ही अपने सिग्नेचर किए थे। अब उन्हीं सिग्नेचर्स को आधार बना करके एक मुलाजिम को मालिक बनाने की कोशिश की जा रही है राजा के जमीन पर, पहली चीज। ठीक है, जबकि ये जमीन थी जो वहां पालकोट के महाराज थे उन्होंने, यानी कि ये जमीन कभी बिकी नहीं। बाद में बहुत बाद में जाकर के जब पालकोट के महाराज के वंशजों को पता चला कि भाई ये जमीन जब बिकी नहीं है, तो उन्होंने अपने हिसाब से इस जमीन को बेचा खाता नंबर 119। लेकिन तब तक फिर कुछ घूम आप
इलाके में अगर पूरे रांची को आप देखेंगे तो ठीक ये बजरा मोजा के तहत ये जमीन आती है, डीएवी हेल के सामने अगर आप पुल पर खड़े हो जाएंगे तो जहां तक आपकी नजर जाएगी यही जमीन है। तो अब इतनी अच्छी लोकेशन पे ये जमीन थी तो कुछ लोगों के दिमाग में आया कि भाई इस जमीन को कैसे छोड़ा जाएगा। फिर पता चला कि वहां पर तो कुछ आदिवासी रैयत रहते हैं, फिर वहां पर पता चला कि कुछ ऐसे मूलवासी वहां पर रहते हैं जिन्होंने इस जमीन को खरीदा है। वहां पर ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जिन्होंने अपनी पूरी पूरी जिंदगी की कमाई ले लगा करके और लगभग 5-5 डिसमिल 6-6 डिसमिल जमीन वहां पर खरीदी है। फिर अचानक से वहां पर एक दिन कुछ लोग पहुंचते हैं, पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचते हैं, हथियारों के साथ पहुंचते हैं और कहा जाता है कि नहीं आप लोग अब यहाँ से खाली कर दीजिए, इसलिए खाली कर दीजिए कि भाई ये जमीन हमारी। फिर वहां पर एक चेहरा सामने रह जाता, उस चेहरे का नाम है अनीता शर्मा, उस चेहरे का नाम है अनीता शर्मा। और उसके बाद फिर वहां पर हथियारबंद भूमाफिया लगातार वहां पर रेकी करते रहते हैं, कभी किसी को धमकी देते हैं, कभी किसी को उठा के ले जाते हैं, कभी किसी के घर में घुस जाते हैं, पुलिस मुखकर्षक बनी देती रहती है। हमने प्रमुखता से इस आवाज को जब उठाया तो उसके बाद फिर अनुशंसा हुई कि भाई वहां पर धारा 144 लगा दी जाए, धारा 144 उनके दिन पर अभी भी लगी हुई है। लेकिन अब इस मामले में फिर धीरे धीरे एक नया मोड़ तब आया जब एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी के गठन के बाद पता चला कि भाई एसआईटी की रिपोर्ट गायब हो गई। आप अंदाजा लगाइए कि यह जमीन का खेल कितना बड़ा है कि भू राजस्व विभाग से पूरे एसआईटी की एक रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट गायब हो जाती है। कितने बड़े लोग इसमें शामिल है, कौन कौन से नाम इसमें शामिल है, आप इसका सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बारे में अभी बोलना तो बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि जिस एसआईटी का गठन किया था उस एसआईटी को सवालों के दायरे में ला रहे थे जब स्थानीय लोग, तो अब इसके बारे में तो मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि उनको असल में इस मामले को लेकर के किस कदर किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन एसआईटी की जांच रिपोर्ट विभागीय कार्यालय से गायब करने का कोई फायदा तो संभवतः नहीं हो सकता, क्योंकि बस ये प्रक्रिया में और विलंब लाने की कवायद होगी। ये एसआईटी की रिपोर्ट की एक कॉपी तो टीम के पास भी होगी। देखिए एसआईटी की रिपोर्ट गायब करने की मतलब कैसे गायब हुई सबसे बड़ा सवाल ये है, ये देखना है। देखना इसलिए है कि इसे गायब किया गया या ये मानवीय भूल के तहत गायब हो गई, क्योंकि हम लोगों ने तो झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसने ये देखा है कि पूरा का पूरा पुल चूहे को उतर जाता है। ठीक है, तो अगर विभाग से एसआईटी की एक फाइल गायब हो जाती है तो इस पर बहुत ज्यादा आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है, झारखंड को भी बहुत कुछ लिखना है। ठीक है, तो इसे लिख करके बहुत ज्यादा आश्चर्य करने की जरूरत है नहीं। हाँ, ये जरूर है कि जिसने भी गायब किया वो बड़ा कच्चा खिलाड़ी, अगर किसी का हाथ है तो इसलिए कच्चा खिलाड़ी कि भाई उसको पता नहीं, उस शायद भूल गया कि न्यूज 11 भारत झारखंड में मौजूद है। न्यूज 11 भारत की नजर हमेशा इस जमीन में जो रहने वाले रैयत है उन पर बनी हुई है कि उनका हक हम किसी को खाने नहीं देंगे। अगर उन्हें लगता है कि सिर्फ एक फाइल गायब कर देने तो वहां के रैयतों का हक वो खा सकते हैं, आम झारखंडी और मूल वासियों का हक वो खा सकते हैं, तो वो गलत फहमी में है। वो ठीक है, अगर फाइल गायब किए उन्हें लगता है कि इस मामले में वो थोड़ा विलंब करवा के अगर उनके अधिकार को खा सकता है, क्योंकि उनको इस गलत फहमी में रहने दीजिए, इससे कोई विशेष फायदा, सही बात है दीपक आपने जो कहा कि इससे कोई विशेष फायदा उनको होने नहीं जा रहा है, तो एकदम सही बात है, इससे कोई विशेष फायदा उनको होगा नहीं जी। लेकिन इतना जरूर है कि इस जमीन के विवाद के जो हितैषी हैं, जो इससे लाभान्वित हो सकते हैं, विवादास्पद मुद्दा बने रहने की वजह से उनकी पहचान अब सामने आ सकती है। आनी ही चाहिए दीपक जी, सामने आना बेहद जरूरी है। चलिए, धन्यवाद अभिषेक इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बेहद ही संगीन मामला और बेहद ही बचकानी हरकत जिसकी भी हो, और स्वाभाविक है कि अगर विभागीय कार्यालय से ये रिपोर्ट गायब हुई है तो विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की संलिप्तता पर सवाल तो उठेंगे ही। 100 एकड़ से भी अधिक का ये भूखंड जिसके मालिकाना हक को लेकर विवाद है, जिस पर बड़ी संख्या में लोग आशियाना बनाकर रह रहे हैं और अब उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, जमीन के अलग अलग मालिकाना दावेदार सामने आए हैं और उन दोनों के विवाद में दर्जनों परिवार पिस रहे हैं। धारा 144 लागू है विवादास्पद भूखंड पर, लेकिन निर्माण कार्य पर कोई रोक नहीं है। आखिर क्या राज है इस जमीन का, खाता नंबर 119 हेहल अंचल का।
हैं एसआईटी रिपोर्ट की, जिसे एक विभागीय कार्यालय से गायब कर दिया गया। भू राजस्व विभाग के दफ्तर से एसआईटी रिपोर्ट का गायब होना स्वाभाविक तौर पर विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की संलिप्तता को लेकर सवाल खड़े करता है। भू राजस्व विभाग के सचिव समेत कई अधिकारी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अधिकारियों की मिलीभगत से एसआईटी की जांच रिपोर्ट गायब कर देने का सवाल तो खड़ा होगा ही। रांची के हेहल अंचल के बजरा गांव का ये भूखंड 100 एकड़ से अधिक का ये भूखंड है, जिसकी खाता संख्या 119 है। उसके मालिकाना हक को लेकर विवाद था और विवाद के निपटारे को लेकर मुख्यमंत्री के आदेश पर गठित एसआईटी ने रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट सौंपी गई और फिर वो रिपोर्ट गायब कर दी गई, क्योंकि रिपोर्ट के हाथ पांव तो होंगे नहीं कि वो खुद से दफ्तर से निकलकर कहीं चला गया होगा। स्वाभाविक है रिपोर्ट गायब कर दी गई, और गायब करने वाले कौन हो सकते हैं ये जांच का विषय है। लेकिन शक की सुई विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर स्वाभाविक तौर पर जा रही है। हमारे सहयोगी आकाश भार्गव कुछ और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे जानते हैं कि एसआईटी की जांच रिपोर्ट विभागीय कार्यालय से गायब होना, इस भूखंड के मालिकाना हक के विवाद के निपटारे को लेकर जो एसआईटी ने रिपोर्ट तैयार की थी उसका गायब होना क्या इशारा कर रहा है? जी आकाश जी, देखिए निश्चित तौर पर झारखंड में जिस तरह से जमीन की लूट खसोट चल रही है उसी का यह एक उदाहरण है, क्योंकि जिस तरह से एसआईटी की जांच रिपोर्ट गायब कर दिए जाने की बात सामने आ रही है, हालांकि आधिकारिक तौर पर अब तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, इसके बावजूद यह सच्चाई सामने आ चुकी है कि एसआईटी ने जो जांच रिपोर्ट, जो मुख्यमंत्री के आदेश के बाद एसआईटी का गठन किया गया था और एसआईटी ने जांच रिपोर्ट तैयार किया था जिसमें तमाम तथ्यों को पूरी बारीकी से जांच करने के उपरांत वहां रखा गया था। हालांकि एसआईटी की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया था, लेकिन इसमें भी कई प्रकार की बातें सामने आ रही हैं जिनमें कहा जा रहा है कि एसआईटी में कुछ ऐसे भी पदाधिकारी शामिल थे जो कहीं ना कहीं किसी से प्रभावित होकर काम कर रहे थे। तो अब एसआईटी की जांच रिपोर्ट का गायब होना, वह भी तब जब सीएम के आदेश के बाद एसआईटी का गठन किया गया, और न्यूज 11 भारत ने काफी प्रमुखता से इस खबर को न सिर्फ सबसे पहले प्रसारित किया बल्कि लगातार हम इस खबरों पर बने रहे और लगातार हमने दिखाया, उसके बाद इस तरह से जांच रिपोर्ट का गायब कर दिया जाना निश्चित तौर पर यह साबित करता है कि भू माफिया वस्तुतः जो धरातल पर नजर आते हैं वो है नहीं। दरअसल वास्तविक भू माफिया तो सरकारी विभागों में कार्यरत भू राजस्व विभाग से संबंधित अधिकारी कर्मचारी हैं जिनके इशारे पर, जिनकी सह पर ये सारा खेल होता है, क्योंकि ये जो मामला है यह बहुत बड़ा मामला है और लगभग 92 एकड़ डिसमिल, खाता संख्या 119 में लगभग 92 एकड़ डिसमिल जमीन है, एकड़ जमीन है जिस पर दो पक्षों के स्तर से दावे किए जा रहे हैं, जिनमें पर एक पक्ष अनिता शर्मा है, दूसरा दशरथ साहू और गणेश साहू है। तो कहीं ना कहीं दशरथ साहू गणेश साहू को कमजोर करने के लिए, चूंकि अनिता शर्मा के पीछे काफी बड़े बड़े लोगों का हाथ है और कई बार तस्वीरों में भी हमने दिखाया कि किस तरह से उनकी पहुंच काफी ऊंची है, बड़े बड़े अधिकारी चाहे पुलिस के हो, चाहे भू राजस्व विभाग के हो या फिर अन्य प्रशासनिक आला अधिकारी हो, उनका वरदहस्त उन्हें प्राप्त है और सभी को कहीं ना कहीं वहां जमीन की लालच है और इसी लालच की वजह से तमाम लोग जो है अनिता शर्मा का साथ देते नजर आ रहे हैं, जिसके कारण यह सारा खेल या यूं कहें कि एक साजिश रची गई, क्योंकि जो मामला 50 सालों से नहीं आया, एकाएक की अनिता शर्मा नामक महिला जो है सामने से खड़ी होती है और खुद को जमीन की दावेदार बताती है, तो यह एक बहुत ही संगीन मामला है और राजधानी रांची के बीचों बीच का मामला है। और ये जमीन आपको बता दें कि आज की तारीख में प्रति एकड़ लगभग 15 से 20 लाख रुपए प्रति डिसमिल की रेट से बेची जा रही है, जिसका बाजार भाव 15 से 20 लाख रुपए प्रति डिसमिल है। तो ये जमीन का लालच है, पैसे की लालच है, जिसकी वजह से तमाम अधिकारियों ने मिलजुल करके एक प्रकार से साजिश रची है और अनिता शर्मा को महज एक मोहरा बनाया है। और अब चूंकि मुख्यमंत्री ने इस मामले पर संज्ञान लिया था जिसके बाद एसआईटी का गठन किया गया था और एसआईटी की जांच रिपोर्ट में कुछ तथ्यों को सामने लाने का काम किया गया था, जिसकी वजह से कि कहीं मामले का खुलासा न हो और अधिकारियों की बोल खुल न जाए, एसआईटी की जांच रिपोर्ट को ही गायब कर दिया गया। दीपक, लेकिन
सारे दस्तावेज जमीन से जुड़े विभाग के पास मौजूद रहते हैं, तो क्या उन दस्तावेजों में छेड़छाड़ की गई होगी? और अगर छेड़छाड़ की गई होगी तो क्या उसे पहचान पाना इतना मुश्किल है कि एसआईटी की रिपोर्ट को जांच कर पूरे तथ्य को छुपाने की कोशिश कोई कर रहा है? जी हाँ, निश्चित तौर पर यह बात हम लगातार पहले से ही दिखाते चले आ रहे हैं कि किस तरह से जो है फर्जी तरीके से तमाम दस्तावेज तैयार किए गए, किस तरह से जो यदि सामान्य तौर पर मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति यदि कोई जमीन परचेज कर भी लेता है तो यदि उस जमीन पर 30 साल तक वह नहीं जाता है जो अधिकतम समय सीमा अवधि है, तो उसके बाद स्वतः उस जमीन पर जो भी व्यक्ति वहां दाखिल काबिज हो उसका स्वतः कब्जा मान लिया जाता है। हालांकि सरकारी जमीन के मामले में कुछ नियम इतर हैं, कुछ भिन्न है, बंदोबस्त किए गए जमीन के मामले में कुछ इतर नियम है, लेकिन ऐसे ऐसे भूखंडों के मामले में चूंकि यह राजवाड़ा परिवार का जमीन है जिसकी देख रेख के लिए जो है देवकी नंदन पांडे को नियुक्त किया गया था और उन्हें महज जीविकोपार्जन के लिए यह जमीन दी गई थी, न कि रजिस्टर्ड डीड या दूसरे प्रकार से जो एक नियम का बताता है कि 1/1/1946 से पहले यदि सादा हुक्मनामा भी हो तो वह मान्य होगा, लेकिन जो अनीता शर्मा द्वारा जो दावेदारी की जा रही है उसमें 1935 का डीड, 1936 का डीड दिखाया जा रहा है जिसमें उन्होंने बकायदा रजिस्टर्ड डीड के जरिए यह जमीन ट्रांसफर कराया, जिसके बारे में हमने कई जानकारों से बात की, कई लोगों से बात की, लेकिन यह बात साबित हो गया कि यह जमीन जो है सिर्फ उन्हें देख रेख के लिए और भरण पोषण के लिए दी गई थी। उसके बाद अब एकाएक चूंकि लगातार 50 सालों तक कोई भी दावेदार खड़ा नहीं हुआ, एकाएक अनिता शर्मा खड़ी हुई और इसके बाद उस जमीन पर बड़े बड़े भू माफियाओं की नजर पड़ी और आप इशारों में समझ सकते हैं या मैं खुलकर बता दूं कि ये भू माफिया दरअसल कोई और नहीं बल्कि जो चेहरे नजर आते हैं वे हैं नहीं, इनके पीछे काफी बड़े बड़े चेहरे हैं जिन्हें जानते सभी हैं, लेकिन उनके खिलाफ मुंह खुलने से लोग कतराते हैं क्योंकि उनकी पहुंच काफी ऊंची है और वो काफी ओहदेदार पद पर काबिज लोग हैं। ऐसे लोगों ने जाकर के वहां जमा बंदी कराई, वहां पर घेराबंदी कराई और ऐसे कई लोगों के नाम स्पष्ट रूप से तस्वीरों के साथ सामने आए, तो ये सारी चीजें जो है स्पष्ट इशारा करती हैं कि अधिकारियों की इसमें पूरी तरह से संलिप्तता है और अधिकारी अंचल स्तर और जिला स्तर पर ही नहीं बल्कि यानी कि आकाश अगर कहें कि इस एसआईटी रिपोर्ट को सिर्फ इस वजह से गायब किया गया है कि कुछ बड़े नाम सामने ना आ जाए, उनके चेहरे पर जो नकाब है वो ना हट जाए, बल्कि इस वजह से नहीं कि मालिकाना हक को लेकर विवाद बहुत चिंता का विषय है। जी हाँ, निश्चित तौर पर बिल्कुल सही आपने चीजों को सही दिशा आपने देने का काम किया है कि चूंकि बड़े बड़े जो अधिकारी हैं जो बहुत ही ऊंचे ओहदे पर काबिज हैं, अब चूंकि एसआईटी की जो जांच रिपोर्ट आई थी वो हालांकि आधी अधूरी है और मैं आपको बताऊंगा और हम आगे भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरह से एसआईटी की जांच रिपोर्ट आधी अधूरी है और अभी तक पूरी नहीं हो पाई है और किस तरह से अधिकारियों को इवन जांच रिपोर्ट में भी बचाने का प्रयास किया गया है, इसके बावजूद जो तथ्य इशारा करते हैं या आप जो डायरेक्शन पकड़ते हैं तो आपको पता होता है कि आप किस ओर जा रहे हैं। तो जो जांच रिपोर्ट सौंपी तैयार की गई थी उसमें तमाम अधिकारियों का आज नहीं तो कल खुलासा होना तय था, इसी भय की वजह से अधिकारियों ने अपने लोगों की मिलीभगत से और इसमें और सबसे बड़ी बात दीपक क्या कि इसमें एनआईसी के अधिकारियों की भी मिलीभगत है क्योंकि तमाम मामलों में अब चूंकि सारी चीजों को ऑनलाइन किए जाने का काम चल रहा है या लगभग कंप्लीशन की ओर है, इसके बावजूद ऐसी चीजें देखने को मिल रही है और एनआईसी पर किनका हुक्म चलता है, किनका आदेश चलता है, इस बात से भी सारे लोग अवगत हैं, साथ ही साथ दस्तावेजों के कस्टोडियन। चलिए, तो हमारी नजर बनी रहेगी क्योंकि जमीन से जुड़े ऐसे अनगिनत विवाद झारखंड में चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। धन्यवाद आकाश इस तमाम ताजा बातचीत और जानकारी के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।